राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के दुनेश्वर पेटे की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी के प्रदेश कार्याध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में शुक्रवार को वैरायटी चौक पर आंदोलन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तिवारी ने कहा कि भाजपा नेताओं के इशारे पर दुनेश्वर पेठे व कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। परसों महारेल का जो काम हो रहा था और उसी के बाजू में OCW ने गड्ढा खोद के रखा था, ऐसे दोनों ही प्रशासन के जो जिनको काम मिला है ठेकेदार, उनके काम के लापरवाही के चलते एक गरीब महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला को न्याय दिलाने के लिए कल हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नागपुर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर जी पेठे, इन्होंने आंदोलन किया वर्धमान नगर स्थित हिवरी नगर में, और वहाँ पर उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और वो गिरफ्तार करने के बाद ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जो कि एक क्रिमिनल व्यक्ति को लगाई जाती है। हमारा ऐसा कहना है कि ये सरासर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर यहाँ पर नागपुर में गृह मंत्री है, क्या किसी महिलाओं को न्याय दिलाना गुनाह है? क्या एक मृतक महिला के परिवार को न्याय दिलाना गुनाह है? मैं एक सवाल आज यहाँ पे जनता के सामने, आप सबके सामने उपस्थित करता हूँ। तो ऐसी धाराएं लगाकर दुनेश्वर पेठे जी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, ये सारी चीजों का निषेध करते हुए हम लोग आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ से हम लोग यहाँ पे आज निषेध कर रहे हैं। और हमारी मांगनी है कि जल्द से जल्द सारे गुने वापस लिए जाए। वो जिस महिला की मृत्यु हुई, जो कॉन्ट्रेक्टर के वजह से मृत्यु हुई, महारेल का जिस कॉन्ट्रेक्टर को काम दिया गया है, OCW का जिस कॉन्ट्रेक्टर को काम दिया गया है, उनके ऊपर में गुनाह दाखिल करना चाहिए, ऐसी भी हम लोग आज यहाँ पर मांगनी करते। एक महिला को न्याय, मृत्यु महिला को न्याय, उसके परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रयास के तहत भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो पुलिस तंत्र ने जिस तरह की कार्रवाई की है, इस तरह की कार्रवाई कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र में अपेक्षित नहीं होती है। ये सरासर सामाजिक कार्यकर्ता जो दिन भर आम जनता के लिए लड़ते हैं, उनके लिए चुनौती है कि वो आगे जाके इस तरह के आंदोलन करेंगे या नहीं करेंगे। ये इस तरह की तानाशाही हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। हम आंदोलन, आज से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, हर रोज आंदोलन करेंगे जब तक कि सारे केस वापस नहीं लिए जाते। मैं आप मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूँ। जनता की समस्याओं को, जनता के प्रश्नों को छुड़ाना हमारा मूलभूत अधिकार है। अगर हम जनता के प्रश्न नहीं छुड़ाएंगे और हम जनता को न्याय नहीं दिलाएंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। मेरा ऐसा मानना है कि आज नागपुर शहर के पालक मंत्री साहब ने आज तक नागपुर का एक भी बार दौरा किया क्या? कभी उन्होंने जाकर देखा कि नागपुर शहर के नागरिक, निवासी नागरिक किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं? कहाँ पर रोड का काम चालू है, कहाँ पर रोड का काम बंद है, किस तरीके से घटनाएं हो रही है? हर रोज हर रात एक एक्सीडेंट होता है, और कल भी जो घटना हुई है, कल नागपुर शहर के अंदर 3 से 4 एक्सीडेंट हुए, और इसी तरह से आज पूर्व नागपुर में भी वहाँ हिरवे नगर मार्ग जो जाने वाला मार्ग है, जयभीम चौक के ऊपर में ऐसा एक घटना हुई जिसमें एक महिला की मृत्यु हो चुकी है, और उस मृत्यु के अंदर उस महिला की डेथ हो गई है, जिसको हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, हमारे शहर अध्यक्ष दुनेश्वर जी पेठे ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गंभीरता से लिया। अधिकारियों को वहाँ बुलाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन किया वहाँ पर, तो उसके ऊपर में पालक मंत्री के आदेश से ये वहाँ के पुलिस नंदनवल पुलिस स्टेशन ने हमारे दुनेश्वर पेठे जी पे अवैध कार्रवाई की है, जिसका हम निषेध करते हैं। और हमारी मांगनी ये है कि पालक मंत्री इस्तीफा दे, और जो गृह मंत्री, पालक मंत्री साहब ही गृह मंत्री है, जो गृह मंत्री साहब ने अवैध कार्रवाई करवाई है, उस अवैध कार्रवाई के कारण गृह मंत्री पद से भी वो इस्तीफा दे। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरे कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन जल्द से जल्द करेंगे। आंदोलन के दौरान नूतन रेवतकर, अनिल बोकड़े, संतोष सिंह, महेंद्र भांगे, रिजवान अंसारी, वसीम लारा, रेखा कृपाली, तुषार भाटी, स्नेहाजीत कुंडे, दिनेश कालपांडे, राजू चौहान समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।